गुड आफ्टरनून क्लास 8, दिस इज चैप्टर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. सो व्हाट रिप्रोडक्शन मीन्स, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ न्यू वन और एन ऑफस्प्रिंग. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और वी कैन कॉल इट इन ह्यूमन बींग्स. सो इन ह्यूमन बींग्स हाउ डज अ न्यू वन produce, we will read in this chapter. Warm up. An important process that ensures the continuation and survival of a species is reproduction. यानी कि जब लाइफ कॉन्टिन्यूएशन की प्रोसेस जो जब कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है और सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ऑल लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर जीन्स बाय प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग who will in turn produce their own offspring, thus carrying on the survival of the species. So what happens ki jo hamare parents hote hain wo hame genes apne pass on karte hain aur fir we are what is offspring. Offspring is the newborn child, that is known as offspring. सो जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें अपने जीन्स पास करते हैं और ऐसे ही हम आगे अपनी आने वाली जनरेशन को अपने जीन्स पास करते हैं. सो दैट प्रोसेस इन कम्स इन रिप्रोडक्शन. प्लांट्स प्रोपेगेट देमसेल्व्स बोथ बाय असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एनिमल्स आल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली. थ्रू द प्रोसेसेस आर वेरी डिफरेंट एंड मच मोर कॉम्प्लेक्स. There are two type of reproduction. First is asexual and second one is asexual. So what does come in asexual reproduction? Asexual reproduction only need one parent. It means there is no need of another parent. This asexual reproduction is when an organism reproduces without the help of another organism of its own kind. That is asexual reproduction. And what is sexual reproduction? When both the parents are needed, it means male and female both are needed in sexual reproduction. Now, what would happen if an animal stops producing its own kind? अगर एक एनिमल अपनी ही काइंड का कुछ भी बनाना, जो ऑफस्प्रिंग है वो बनाना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? वो सारी की सारी प्रोजेनी ही ख़त्म हो जाएगी. यानी कि अगर बाय चांस सोचो कि जो एक टाइप का एनिमल है, अगर फ्रॉग है जैसे, सो फ्रॉग अगर अपने आगे एग ले करना ही बंद कर दे तो क्या होगा? जितने भी फ्रॉग्स हैं वो सारे के सारे एक टाइम आने पर ख़त्म हो जाएंगे. सो इसलिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हेयर रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, नेमली असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. सम ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दोनों टाइप से reproduce कर सकते हैं. So here comes the first one, asexual reproduction. When an organism reproduce without the help of another organism of its own kind, it is called asexual reproduction. यानी कि simple language में जब हमें सिर्फ एक parent की ज़रूरत होती है, that is asexual reproduction. In asexual reproduction, the another parent or the male parent is not necessary to reproduce or to produce a new one. It is the simplest form of reproduction. Asexual reproduction results in offspring that are clones. What are clones? जो बिल्कुल exact एक की copy होते हैं, that is known as clone. Here is the definition, an exact copy of an animal or a plant, that are known as clone. So asexual reproduction results in offspring that are clones of the parent. यानी कि बिल्कुल अपने सेम एग्जैक्टली डिटो अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, बिकॉज दे हैव आइडेंटिकल जीन्स. वो क्यों होता है? बिकॉज उनके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के जीन होते हैं जो कि सिर्फ उनकी पेरेंट बॉडी के होते हैं. एनिमल्स मे प्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू फिजन एंड बडिंग. देर आर टू टाइप ऑफ asexual reproduction as well, that is one is fission and second one is budding.
फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, दैट इज़ नोन एज फिजन। बडिंग में क्या होता है, एक बड अलग से निकल जाती है और फिर वो अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है और अलग से एक प्लांट बना लेती है, दैट इज़ बडिंग। सो फर्स्ट इज़ बाइनरी फिजन। दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्रोटोजोआ। ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। उसमें क्या होता है कि जो एक पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड होने लग जाता है डॉटर सेल्स में। सबसे पहले डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस होता है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है एंड देन उसके बाद जो बॉडी है वो डिवाइड होनी शुरू हो जाती है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड होनी शुरू हो जाती है और बीच में से अंदर की तरफ दब जाती है और फिर अलग अलग दोनों अलग ही सेपरेट हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फिजन। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम, द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड देन फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। एज आई टोल्ड यू हियर, द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट इनटू इक्वल सेल्स दैट आर नोन एज डॉटर सेल्स एंड देन द होल बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, ईच विद इट्स ओन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और हर एक का, दोनों डॉटर सेल्स का अपना अपना न्यूक्लियस हो जाएगा और अपना अपना साइटोप्लाज्म हो जाएगा। व्हेन फुली ग्रोन दीज सेल स्प्लिट्स अगेन फॉर्मिंग टू न्यू सेल्स। और फिर जब ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे यानी कि बड़े हो जाएंगे, फिर ये वापस से हर एक सेल में यही प्रोसेस होगी, यानी कि इसी तरीके से वो डिवाइड करेंगे और इसी तरीके से उनकी जो प्रोजेनी है वो आगे बढ़ेगी। नाउ टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज, Get it right, bacteria also reproduce through binary fission. But since their cells do not have a nucleus, the DNA or the genetic information in the cell is replicated. The cell then divides into two daughter cells, each with identical genetic information. जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसमें न्यूक्लियस होता है ना डीएनए होता है ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसमें सब कुछ फैला हुआ होता है, सो ऐसा कुछ उसमें हमें दिखाई नहीं देता। सो उसमें से क्या होता है, वो डायरेक्टली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि अभी अमीबा हुआ था। बट अमीबा में क्या हुआ था, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा बिकॉज न्यूक्लियस वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होता है। सो दैट्स वाई जो बॉडी है वो डायरेक्टली टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी इक्वली। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज बडिंग। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा एंड सम कोरल्स, अ बॉडी पार्ट डेवलप ऑन आउटग्रोथ लाइक अ बड। दिस बड देन सेपरेट्स फॉर्मिंग अ न्यू इंडिविजुअल। इन हाइड्रा द बड ब्रेक्स अवे फ्रॉम द मेन बॉडी। क्या होता है कि सी दिस इज हाइड्रा, दिस इज़ द प्लांट हाइड्रा, इसमें एक बड निकलनी शुरू होती है। यू कैन सी दिस पोर्शन, दिस इज अ बड। ये अब यहाँ से ग्रो होती रहेगी और जब ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो ये अपने आप यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और एक अलग प्लांट बना लेगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। जस्ट एग्जैक्टली सेम यही चीज़ आपने जिंजर में भी देखी होगी। जिंजर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बडिंग, कि उसमें अगर साइड में से एक उसकी बड निकलनी शुरू हो जाती है तो वो अपने आप, थोड़ी सी जब बड़ी हो जाती है वो अपने आप सेपरेट हो जाती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। इन हाइड्रा द बड ब्रेक्स अवे फ्रॉम द मेन बॉडी। इन कोरल्स द बड डज नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी बट मल्टीप्लाई सेवरल टाइम्स इवेंचुअली बिल्डिंग अ न्यू कॉलोनी। कोरल्स में क्या होता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो पेरेंट बॉडी से डिटैच रहती हैं, यानी कि उनसे बिल्कुल अलग नहीं होती हैं और वो वहीं पे मल्टीपल टाइम्स वो ग्रो होने लग जाती हैं, काफ़ी सारी एक साथ ग्रो होने लग जाती हैं और वो एक टाइप की कॉलोनी बना लेती हैं वहाँ पे। दिस इज़ हाउ सम कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड। इस तरीके से कोरल रीफ्स फॉर्म होती हैं। हियर इज़ एन एक्टिविटी वन, एम टू ऑब्जर्व परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा एंड चेक फॉर बर्ड्स। Material required, permanent slide of hydra, compound microscope, paper, pencil. In this activity, we need a compound microscope. We have this in our lab and I have already shown you in the Google Meet class.
So here is the procedure. Observe the permanent slide of hydra. Count the bludges, if any, observe on the body of the animal. These bludges are actually developing buds. जो उसमें जो अलग से छोटी छोटी से बर्ड्स दिखेंगी दे आर कॉल्ड बर्ड्स. हेयर यू हैव टू राइट द ऑब्जर्वेशन एज वेल. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विद नीड डायग्राम्स ऑफ ईच स्लाइड. यू हैव टू कलेक्ट द डाटा, एनालाइज इट, ड्रॉ इट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन दैट वॉट यू हैव सीन इन द स्लाइड. That you have to write in this activity, but we cannot do this activity as because of COVID-19. But I'll show you this activity as an example whenever we will go in the lab. So here comes is sexual reproduction. We are done with asexual reproduction. Here is the second one, sexual reproduction. Most animals, including human beings, reproduce sexually. It is two individuals, a male and a female, are required for producing an offspring. इसमें दो parent की जरूरत होती है. One is male and one is female to produce an offspring. Each individual has a different set of reproductive organs and each produces reproductive cells or called gametes. जो मेल पेरेंट होता है वो भी गैमेट प्रोड्यूस करता है, जो फीमेल पेरेंट होती है वो भी गैमेट प्रोड्यूस करती है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट इज कॉल्ड ओवम. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है दैट इज नोन एज ओवम, जिसमें उसका फ्रूलर होता है ओवा और द एग. द मेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट इज कॉल्ड अ स्पर्म. You have to learn these two because these two are quite important in your chapter in sexual reproduction, that the name of reproductive cell or the gamete in female and in male as well, that is ovum and sperm respectively. Animals in which male and female gametes are produced in different individuals are called unisexual organisms. यानी कि जिनमें वो अलग अलग तरीके से वो जो अलग अलग यानी कि मेल्स में स्पर्म रिलीज होता है और फीमेल्स में ओवम रिलीज होता है, वो जब अलग अलग उनकी बॉडी में रिलीज होता है दैट आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल एनिमल्स. यानी कि सिर्फ दोज हु हैव ओनली वन सेक्स. द अनदर वन इज सम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स सच एज अर्थवर्म, स्नेल्स, स्लजेस एंड लीचेस हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम बॉडी एंड प्रोड्यूस बोथ गैमेट्स. They are bisexual organisms because they have both gametes of male and female as well. So that's why they are bisexual. Bi means two and sexual means having two sex. So bisexual is having two sex and also called hermaphrodite. Bisexual organisms are known as hermaphrodite. So just remember this word. Here we have an interesting thing in this box. The world's smallest snail lives in limestone caves in Malaysian Borneo. It is so small that scientists use a microscope to see it even in the wild. Its shell has a diameter of just 0.7 millimeter. So it is quite small. The scientists use microscope to see it. You cannot see it from your naked eyes. So we will do the next topic in our next class. Till then, see you.